ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को दबा के सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर्स में आने वाली जितनी भी रेसिपीज़ हैं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ स्प्रिंग रोल की रेसिपी। स्प्रिंग रोल की जो रेसिपी है उसके अंदर सबसे पहले हमें बनानी होगी फिलिंग, जो बहुत ही इजी है। इसके लिए मैंने ये एक कैबेज काट के रखा हुआ है, इसके लंबे लंबे स्लाइसेस। ये मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिखेगा आपको। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा हमारा नूडल्स। नूडल्स को भी मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। नॉर्मली जैसे हम लोग नूडल्स को बॉईल करते हैं वैसे ही बॉईल करना है। हो सके तो थोड़ा कच्चा रखना नूडल को, जो कहते हैं ना 90% जैसा तो कुक हो गया हो जैसा। अब इसके अंदर जाएगा हमारा गाजर। गाजर भी मैंने ये एक छोटा गाजर काट के रखा हुआ है पील करके। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा एक कैप्सिकम। ओके, ये सभी चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद अब इसके अंदर जाएगा शेजवान चटनी। अब ये बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं होता है, सिर्फ सारे जो वेजीज हैं या नूडल है उसके ऊपर अच्छे से कोट हो सके उतना ही हमें शेजवान चटनी लेना है। मैंने ये करीबन 1 कप के बराबर लिया हुआ है। आपको अगर कम चाहिए तो कम लीजिएगा, आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा। और ये शेजवान चटनी की रेसिपी भी मैं आपको पहले उसके भी लिंक मैं आपको पहले ही अपनी इसके अंदर दिखा दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी आपको शेजवान चटनी की रेसिपी। और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, हाथों से करना चाहो तो हाथों से, और अगर चाहे तो ऐसे 2 चम्मच तो मिक्सर प्रॉपर मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए। ओके, करने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे अजीनोमोटो 1 चम्मच, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच अप्रॉक्स टेस्ट के हिसाब से आप नमक ले सकते हो। मैंने आधे चम्मच के बराबर मैंने नमक डाला हुआ है। इसको मिक्स करके टेस्ट कर लेना है, अगर नमक की ज़रूरत पड़ती है तो और डालिए, और अगर नहीं है तो कम्प्लीट हो ही गया। ये हमारी फिलिंग रेडी है, इसको मिक्स करते ही हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है, हमारा मिक्स होके रेडी है। और बहुत से लोगों को ऐसा माइंडसेट होता है कि अजीनोमोटो डालने से हेल्दी नहीं रहता, कई हद तक वो सही भी है, लेकिन जितना नुकसान आपको विनेगर करता है उससे तो बहुत कम अजीनोमोटो करता है। लेकिन एक सबके दिमाग में एक ऐसा सेट हो चुका है कि अजीनोमोटो खाने से हमारे पैरों में तकलीफ हो जाती है, हड्डियों में, जॉइंट्स में प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं है, वो कब होता है जब आप उसको ओवरलोड खा लेते हो, बहुत ज़्यादा खाते हो डेली के बेसिस पे। आप अगर अजीनोमोटो खाते हो तब जाके प्रॉब्लम। ये कभी कभार वाले में हमारी बॉडी भी इतनी इतनी ताकत रखती है कि अगर हम लोग ने अगर अजीनोमोटो खाया है तो उसको पचा भी सकती है, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। बिंदास खाइए, लेकिन लिमिट में खाइए। ओके, थैंक यू। चलिए तो अब हम हमारे स्प्रिंग रोल बनाते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए ये रेडीमेड शीट मिलती है मार्केट में, आप स्प्रिंग रोल की शीट आप मार्केट से ख़रीद सकते हो, या आप आपको इन फ्यूचर में मैं खुद भी इसकी रेसिपी रखने वाला हूँ कैसे ये बनते हैं ये पतले से पर। अब इसके अलावा इसको हमें जब फील करेंगे तब उसको वापस से हम उनको सील करने के लिए हमें ग्लू की भी ज़रूरत होती है। वो ग्लू तो ऐसे हम लोग ग्लू नहीं यूज़ करेंगे, मैदा है जिसको हम लोग ने पानी में मिक्स किया हुआ है, ऐसी थिक कंसिस्टेंसी पे ले लेना है। ये हमारे स्प्रिंग रोल को ग्लू की तरह पकड़ के रखेगा और तलने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे फिलिंग। फिलिंग आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आप अगर ज़्यादा फिलिंग खाते हो तो ज़्यादा, कम तो कम। ये मैंने एक ले लिया है फिलिंग। अब ये जो फिलिंग है ये हमेशा ध्यान रखना कि ये बहुत ज़्यादा पानी वाला ना हो। इसको अब हम दोनों तरफ से ऐसे करेंगे फोल्ड। ये फोल्ड करने के बाद यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के इसको टाइट रोल करना है, जितना टाइट आप कर सको उतना टाइट रोल कर देना है। ये हमारा स्प्रिंग रोल हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें हमारा लगा देना है हमारा ग्लू। और ये लगा के
ये हो गया हमारा स्प्रिंग रोल रेडी। ऐसे ही हमें अलग अलग स्प्रिंग रोल बना लेने हैं। ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा फिलिंग भर लीजिए, कम चाहिए तो कम। इतना ध्यान रखना है कि फिलिंग भरते वक्त, ये रोल करते वक्त ये फट ना जाए, और अगर इनके ज़रा जैसा कुछ लग जाता है, फट जाता है, तो वहाँ पे आप ये जो हमारा मैदे का मिक्सचर है वो लगा के आप उसको सील तो कर ही सकते हो, लेकिन वो फिर से भी जब हम लोग तलेंगे उस टाइम पे शायद फट सकता है, वो ना हो इसके लिए हमें पूरा ध्यान रखना है। तो अब करते हैं हमारे स्प्रिंग रोल को फ्राई। ये हमारे रोल्स हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं कर देना है, ऑयल में एक साथ बहुत सारे मत डाल देना, नहीं तो ऑयल जो हीट हुआ है वो ठंडा पड़ जाएगा। धीरे धीरे करके एक 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 करके डालना है। और जब आप डालो तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बबली होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। कई बार सब लोग बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं, एक साथ सारे के सारे डाल देते हैं और वो फिर प्रॉपर हो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो वो इशू ना आए इसके लिए लिमिटेड, एक साथ 3-4 या फिर आपकी जितनी बड़ी कढ़ाई है उसके ऊपर डिपेंड है, आप डालिए एक साथ तलने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत करिएगा। स्प्रिंग रोल बनके रेडी है, चलिए अब इसके करते हैं सर्व। सर्व करने के लिए इसको साइड वाइज जैसे थोड़ा क्रॉस में काटना होता है, जो हमारे पास रेस्टोरेंट्स में जैसे मिलते हैं उसमें ऐसे साइड वाइज ही कटता है। इसको हमें प्लेट के अंदर ऐसे अच्छे से सजा देना है। सेम इसी तरह से दूसरा भी कट कर लेंगे। ये हो चुका है हमारा स्प्रिंग रोल रेडी। अब इसको हम लोग गार्निश करेंगे शेजवान चटनी के साथ। आपको जितनी पसंद हो आप उस हिसाब से डालिएगा, मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगा। तो हमारा स्प्रिंग रोल रेडी है। सो फ्रेंड्स, हमारा शेजवान चटनी के साथ स्प्रिंग रोल रेडी है। आप इसको एंजॉय करिएगा, बहुत ही बढ़िया बनते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही टेस्ट में बहुत मज़ा आता है। और ये स्प्रिंग रोल को जब हम लोग फिल कर देते हैं उसके बाद हम लोग इसको तले बगैर ही इसको हम लोग डीप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, और ये ऐसे ही अच्छे रहेंगे 1 से 1.5 महीने तक। इतने कोई इशू नहीं है अगर आप इसको पहले से बना के पहले से प्रेप करके रखोगे, और कभी कोई मेहमान आ गया तो तुरंत तल के भी आप दे सकते हो। इतने हर तरीके से बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और इन फ्यूचर ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ, उसके लिए मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर मेरे चैनल को ज़रूर से कीजिएगा। और भी कोई आपको रेसिपी अगर आपको पसंद हो जो आप चाहते हो कि मैं आपके लिए बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए वो ज़रूर से बनाऊँ। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।